अब हमारे बीच में साथियों, हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि संजय शर्मा जी मौजूद हैं, जो अपने बेबाक विचार, अपनी बातों को आपके बीच में रखना चाहते हैं। बड़े ध्यान से इन सब चीज़ों को सुनिएगा और आज जो ये बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो शब्द काम भी आएंगे। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप बाद में एहसास भी करेंगे। तो हमारे बड़े भाई ने हमेशा समाज को एक नई राह दिखाई, एक नई दिशा दी है। तो इनके विचारों को आप सुनकर अपने जीवन में भी ग्रहण करिए। बाकी छोटे बच्चे भी सारी चीज़ों को यदि सुनते हैं बहुत ही तन्मयता से, तो उनके जीवन में भी एक नई उत्साह, एक नया संचार आएगा। बच्चों, सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि अपने दो शब्दों को अपने सामने रखना चाहिए। थैंक यू अब्दुल भाई, मोहम्मद सादिक भाई, अब्दुल भाई, आप तमाम लोग जो समाज में इतना जागरूकता का काम कर रहे हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने प्यारे से कार्यक्रम में मुझे आज आने का न्योता दिया। और ये बच्चे बैठे हैं पीछे, बच्चों सुन रहे, आवाज आ रही है ना, वहां तक आ रही है ना आवाज? मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँ, बच्चों तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मैं ये बात, बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँ, किसी ने भी इतने मन से ताली नहीं बजाई है जब मुझे फूल दिए जितनी ताली तुम लोगों ने बजाई। इतने इतने अच्छे से कोई ताली नहीं बजाता है, इतने मन से कोई नहीं बजाता। तो तुम सब लोगों को ढेर सारा प्यार कि तुम इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो। बहुत बहुत आसान होता है किसी भी पगडंडी पे चलते जाना, वहां कोई परेशानी नहीं होती है, सड़क बनी हो या आप उस पर चले जाइए। और बहुत मुश्किल होता है अपनी सड़क बनाना। बहुत आसान होता है किसी फाइव स्टार होटल में एनजीओ की पार्टी करना, किसी अच्छी जगह करना, और बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसी बस्ती में जाके ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना जो वास्तव में हिंदुस्तान है। मुझे बताया मोहम्मद सादिक भाई ने कि इन बच्चों के बीच में वो किताबें, किताबों का एक सेट दे उठाइए मोहम्मद सादिक भाई। ये किताबें बच्चों आपको मिलती है ना, यार ये वाले मोहम्मद हैं, मिलती है ना? ये आप बड़े बड़े तोहफे बड़े बड़े लोगों को देते रहिए, मगर ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये पेंसिल से काखा पढ़ते हैं, लिखते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए कि इससे ज़्यादा खुशियाँ, इससे ज़्यादा सुकून किसी इंसान को होता नहीं होगा जो इन बच्चों के बीच में रह के काम करता है। क्योंकि दरअसल जो मासूमियत होती है और दरअसल जो इंसानियत होती है वो इन बच्चों के चेहरे पे चमकती रहती है, दिखती रहती है। हम लोग एक पिक्चर आई थी बच्चे मन के सच्चे, आपने गाना सुना होगा, बहुत अच्छा है कि एक ये एनजीओ इन बच्चों के बीच में आता है, इनको पढ़ाता लिखाता है, इनकी हेल्थ का ध्यान रखता है। और आप सब लोग जो आपने बताया कि आप लोग HIV के पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग समाज में काम कर रहे हैं। जैसे मैम ने कहा कि जिंदगी जीना बड़ा आसान है, आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, मनुष्य बने रहेंगे आप, लेकिन एक जन्म लेने के बाद एक रूटीन की जिंदगी जीना और एक इंसान बनने, एक अच्छा इंसान बनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो दूसरा का दुख दर्द समझकर उसके संग अपने को जोड़ ले, असल में इंसान वही होता है। और मैं आज बड़ा खुश नसीब हूं कि आज उस शख्स को, एक ऐसे इंसान को याद करने का मौका मिल रहा है जो इस तरह से ही लोगों के बीच में अपने दुख दर्द को, उनका दुख दर्द और उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द बना लिया करता था। हमारे बीच के पत्रकार थे वकार भाई, बहुत छोटे से एक जिले से आए थे, कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था, बहुत बड़ा महल नहीं था, अपने दम पे उन्होंने एक अखबार शुरू किया, दिन रात मेहनत करी और कुछ ही दिनों बाद अवध नामा लखनऊ का और पूरे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार बन गया, एक ऐसा लोकप्रिय अखबार बन गया जिसको समाज के अलग अलग तबके के लोग पढ़ते थे, उनकी खबरों की धार को महसूस करते थे। एक उसने कुनबा बनाया जिसमें अब्दुल भाई जैसे साथी
शामिल हुए और मैंने देखा अब्दुल भाई को, मैं इनसे यही कह रहा था कि लखनऊ में बड़े हनुमान मंदिर के सामने मंगा आरती हो रही हो, भंडारा हो रहा हो, तो अब्दुल भाई वहां दिखाई देते हैं, कोई कार्यक्रम किसी और समुदाय को वहां दिखाई देते हैं, किसी अस्पताल में कोई कैंप लगा हो तो अब्दुल भाई दिखाई देते हैं। ये पत्रकार हैं, ये पूरे टाइम बिजी रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज की जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, समाज के लोगों के बीच अपना साथ देने को महसूस करते हैं, इसलिए ये वहां खड़े होते हैं। और सिद्दीकी भाई कह रहे थे कि ये बड़ा छोटा सा जगह है, हमें बड़ा छोटा सा लगा कार्यक्रम करना। आप जो छोटे से कार्यक्रम अलग जला रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी है। इस दौर में सच के साथ खड़े रहना, इस दौर में इंसानियत के साथ खड़े रहना, ये इस दौर का सबसे बड़ा तकाजा है। बहुत खराब दौर है, ये बहुत खराब हालात है, कोई किसी की नहीं सुन रहा, एक अंधी दौड़ है, हर तरफ दौड़ रहे हैं लोग। और दौड़ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने से ज्यादा समाज की सोचते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वकार भाई की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, वो नहीं रहे और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं वकार भाई नहीं रहे। अगर वकार भाई नहीं रहे होते तो आज हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे होते। वकार भाई हैं, हमारे बीच में है। आदमी चला जाता है, बड़ा नश्वर शरीर है, मैं आया हूं मैं जाऊंगा, आप आए हैं आप जाएंगे, चैन है, जो आया उसको जाना है, ये नेचर का क्रम है। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी कुछ यादें रह जाती हैं, उसके काम याद आते हैं, तो वो आदमी मरता नहीं। और कोई काम छोटा नहीं होता, दरअसल काम वो बड़ा होता है जिसको करने से समाज एकजुट रहता है। मैं छोटी सी बच्चे कहानी बताता हूं। एक बार एक हम लोगों ने नेचर से बहुत सारी कहानियां सीखने को मिलती है, जो पंच कथा होती है, पंचतंत्र की कहानियां होती है। एक किस्सा बताता हूं जो आज के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि एक बंदर ने आग लगा दी, एक बस्ती में बंदर ने आग लगा दी, घर जलने लगे, एक चिड़िया चोंच से पानी ला ला के डालने लगी। तो बंदर हंसा और बोला कि चिड़िया, इतनी बड़ी आग है, तू अपनी चोंच से पानी ला के इस बस्ती में डाल रही है, क्या आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, आग बुझे या नहीं बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये बच्चे जो आप लोग जिनको शिक्षा दे रहे हैं, ये भारत का भविष्य है। ये वो नींव तैयार कर रहे हैं आप इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके, कि ये उस चिड़िया की तरह समाज को अच्छा बनाने में इनका नाम लिखा जाएगा। बहुत बहुत आसान होता है केवल औपचारिकता निभाना, लेकिन इसी तरह के बच्चों में कोई लाल बहादुर शास्त्री बन जाता है, और कभी कोई इंसान चलते चलते गरीबी रेखा में देश का प्रधानमंत्री तक भी बन जाता है। कोई सपना ऐसा नहीं होता दुनिया में जिसको पूरा करना असंभव हो। आप बच्चों अगर कस के पढ़ाई लिखाई करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो हो सकता है आपके पास भी कोई बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाए आपको। अपने मम्मी पापा से कहो कि अभी काम करने की उम्र नहीं है, अभी हमारी पढ़ने की उम्र है, और आप में से जो पढ़ना चाहेगा, मोहम्मद सिद्दीक सर है ये आपको व्यवस्था करेंगे, और कोई पढ़ने चाहेगा व्यवस्था ना तो मुझे बताना, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लेकिन हर बच्चे को पढ़ना लिखना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पूरी कर लोगे तो बहुत बढ़िया सी जिंदगी बिताओगे। अपने मम्मी पापा से कहो कि हम पढ़ लिख जाएंगे तो आप जितनी परेशानी में हैं, हम इससे ज्यादा बेहतर आपको जिंदगी जी पाएंगे। बहुत बढ़िया काम है जो आप लोग कर रहे हैं, कोई छोटी जगह नहीं, कोई बड़ी जगह नहीं, और दरअसल यही वो जगह है जहां काम करने की जरूरत है, और यही वो जगह है जहां आपको 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 हिंदुस्तान का नजारा देखने को मिलेगा। हम लोग अखबार की दुनिया से हैं, रोज एक खबर आती है, रोज एक खबर चली जाती है, मशीन हो जाते हैं हम लोग भी, संवेदनाएं मरती है हमारे भी, लेकिन हमें कभी कभी संवेदनाएं फिर जिंदा होती हैं जब इस तरह का कोई आयोजन होता है, आपके बीच में आने का मौका मिलता है। आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं HIV पेशेंट्स के बीच में, और HIV का एक दौर था कि जिस तरह कोर का एक दौर था, आदमी छूता नहीं था, इस तरह HIV के लोगों को कोई पास पटकता नहीं था, बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की परिस्थिति में काम करना। कोविड की लहर में भैया बता रहे हैं कि इन्होंने कितने लोगों को मिट्टी की सुपुर्दे खाक किया। ये वो दौर था कि जब अमेरिका से आए एक फोन से लोग रो पड़ते थे, अमेरिका लंदन में बैठा आदमी कहता था कि जितने रुपए चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप मर गए हैं, उनकी कहीं दाह संस्कार करा दी।
इस दुनिया में वो दौर देखा है कि जब लाशें जलाने के लिए सिफारिशें करनी पड़ रही, कर रहा था लावारिस लाशें दफना रहा था, और लखनऊ के उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम नौजवानों ने वो स्टोरी दुनिया में छपी। कभी नहीं देखा कि ये हिंदू की लाश है या मुसलमान की लाश है। हिंदुस्तान इसी रवायतों से बना है और इन्हीं रवायतों को जिंदा रखना है तो इन बच्चों को ये रवायत समझानी पड़ेगी कि ये राम और रहीम और रहमान का देश है। यहाँ पे शकील बदायूं निकाता है मन रखपदर्शी हरिदर्शन को आज, और पांचों वक्त का मोहम्मद रफ़ी मन के साथ भजन गाता है। इन बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते से बना है। उस गुलदस्ते की कीमत तभी तक है जब हम सब मिल के रहते, एक ताकत बन के रहते हैं। इन बच्चों को प्यार का पाठ सिखाना पड़ेगा, इनको गांधी का पाठ सिखाना पड़ेगा, इनको महात्मा बुद्ध का पाठ पढ़ाना पड़ेगा कि दुनिया में और भारत में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो प्यार है। प्यार बांटते चलो। मुझे यकीन है आप सबके आयोजन इन बच्चों के दिमाग मन मस्तिष्क में एक छाप छोड़ेंगे और जो गांधी का देश था वो ऐसे ही मजबूत बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया।